तो राहुल गांधी संसद में संबोधन कर रहा है, जैसू सीधा त्या लाइव। माने प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट माने प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना, ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं। अगर आप ये उचित मानते हैं क्या स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसी को उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट एड्रेस पे होनी चाहिए, ये जो मैंने किया है। अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लग रही है अयोध्या के बाद, अच्छी लग रही डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पॉन्स, एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है हमारे साथ, चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, मुझे कहती है मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है। बेटी की दुविधा सुना नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों, कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों, खरीद नहीं पाई, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पीट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं। कहती है आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डराओ मत, आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए, अग्निवीर के परिवार से मिला,
छोटा सा घर था। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। नमस्कार, हूँ सुहिना। तो संसद में राहुल गांधी अग्निवीर पर संबोधित कर रहे हैं। सीधा जी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय, अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को, जो शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है। जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। क्योंकि सर ये विषय गंभीर है, और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि दो स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को, और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए, और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बल रखेंगे। सर और स्पीकर सर और
स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके से नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला, आज तक नहीं आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं, ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है, आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं मैं
मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला। माने राहुल गांधी जी, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नौ सर गौरव, स्पीकर सर मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा मोदी जी नोटबंदी कर दिया। डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक, और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है बंबई एयरपोर्ट, अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। Yes. ये रास्ता साफ करने का तरीका था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो,
लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। किसानों को आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115 और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवेर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। यह आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2), इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कर रहे हैं। यह आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिवजी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं, झूठ नहीं है, सच है।
सच है। माननीय मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता इन आके पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकते हैं? माननीय आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। माननीय हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाई सिर हिला रही है, वो भी सहमत है, कौर जी सहमत है, देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। माननीय बोला नो, माननीय सदस्य एक शब्द उधर नहीं सर। किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा, बोलिए पूरा सर। स्पीकर सर किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है, जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही, सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी अभी लीगल गारंटी फसलों के एमएसपी के लीगल गारंटी, ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे, ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं ब्रदर स्पीकर सर एमएसपी विद लीगल गारंटी, स्पीकर सर द इशू इज एमएसपी विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट एमएसपी, एमएसपी इज बीइंग गिवन, द इशू इज किसान्स वांट एमएसपी विद लीगल गारंटी व्हिच यू आर नॉट रेडी टू गिव देम। तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, yes. जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी,
जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी अग्निवीर होम के लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट नीच, नीच, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 20-22% है, वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर अलाउ, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है कोटा में। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है, जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें।